Students, now we are going to see our second chapter of English literature book, that is section B, Ode to My Fountain Pen in Memoriam. Ode to My Fountain Pen in Memoriam is a story written by Anne Frank. Anne Frank was a Jewish girl who was forced to remain in hiding with her family due to persecutions of Jews by Hitler's army during the Second World War. She received a diary on her 13th birthday in June 1942. She called her diary Kitty and began writing in it. She recorded her thoughts, feelings and emotions in her diary until she was 15. Read this extract from the Annie's diary. तो यहाँ पे क्या है, एनी फ्रैंक एक Jewish girl थी जो एक diary लिख रही है. वो diary किसके ऊपर थी, उसके fountain pen के ऊपर. तब होता क्या है, Jews जो होते थे वो जर्मन में रहते थे और जर्मन का जो राजा था वो था हिटलर. तो वो हिटलर क्या करता था, ज्यूइश पीपल को बहुत छोटा और ऐसा समझता जैसे जैसे ये लोग जो आदमी हैं वो ये लोग जो होते हैं वो मीन्स रहने के लायक नहीं होते. ठीक है, उनको सब ह्यूमन समझता था. सब ह्यूमन मतलब कि उनको समझता था कि ये लोग किसी जात में नहीं आते, ये लोग बस ऐसे ही आधे इंसान और आधे जानवर हैं. तो इसलिए वो कहता था कि उसने उन लोगों को मार देना है. तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो हिटलर ने ज्यूइश लोगों को बहुत मार दिया था. ठीक है, तो जिसकी वजह से एनी फ्रैंक जो थी वो अपनी फैमिली के साथ कहीं छुपकर रह रही थी. ओके, तो वहां पे जब वो 13 इयर्स ओल्ड की थी उसको एक गिफ्ट मिली डायरी जून 1942 में. जब उसने उस डायरी का नाम रखा किटी और स्टार्ट कर दिया उसको लिखने के लिए, उसमें वो अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन सारा कुछ लिखती थी जब वो 15 की होने लगी. ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऐसा क्या है उस डायरी में जो उसको उसने इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है. थर्सडे नवंबर 11 1943, तो वो थर्सडे को डायरी लिख रही है बैठकर. 1943 नवंबर 11 का टाइम डेट है. डियरेस्ट किटी, किटी अब उसकी डायरी का नाम है. आई हैव अ गुड टाइटल फॉर दिस चैप्टर, ओड टू माई फाउंटेन पेन इन मेमोरियम. मेमोरियम इन मेमोरियम मीन्स इन मेमोरी ऑफ. ठीक है, तो अब वो किसकी मेमोरी के ऊपर लिख रही है, फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन एक जो पेन था, इंक पेन होता है फाउंटेन पेन. वहां पे क्या है, उस जमाने में फाउंटेन पेन किसी के पास नहीं था, तो उसको एक फाउंटेन पेन गिफ्ट मिला था. वो बस उसके लिए ही बहुत खुश होती थी कि मुझे एक फाउंटेन पेन गिफ्ट मिला है. और उस वक्त उसके स्कूल में उसके फ्रेंड्स के पास किसी के पास वो फाउंटेन पेन नहीं होता था. So let's start the chapter. My fountain pen was always one of my most prized possessions. I valued it highly. मेरा fountain pen जो था वो लिख रही है कि बहुत ज़्यादा कीमती था और मैं उसको बहुत महत्व देती थी. Especially because it had a thick nib and I can only write neatly with thick nibs. It has led a long and interesting fountain pen life which I will summarize below. उसने कहा कि वो जो फाउंटेन पेन था वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था मेरे लिए, क्योंकि उसकी एक थिक नीब थी और उस थिक नीब के साथ मैं अपना काम कर सकती हूँ और मेरी जो राइटिंग है वो मोटी नीब के साथ ज़्यादा अच्छी होती है. ठीक है, तो इसलिए उसको वो फाउंटेन पेन बहुत अच्छा लगता है और वो बिल्कुल संभाल के रखती है उसे. When I was 9, my fountain pen packed in cotton arrived as a sample of no commercial value all the way from the Aachen. जब वो 9 साल की थी तब वो फाउंटेन पेन जो था कॉटन के बीच में पैक होकर उसके पास आया. और वो कैसे आया, सैंपल ऑफ नो कमर्शियल वैल्यू मीन्स यहाँ से कोई पैसा नहीं इसको कमा सकता है, बस उस हिसाब से वो एक सैंपल बन के आया था. कहाँ से, आचिन से. आचिन कहाँ, क्या जगह था जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, उसको आचिन कहते हैं. ग्रैंड मदर को वो वेरी काइंडली डोनर कहती थी. डोनर मीन्स यहाँ से पता लग रहा है कि वो जो पेन मिला है वो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको गिफ्ट किया. आई ले इन बेड विद द फ्लू व्हाइल द फेब्रुअरी विंड्स हॉल अराउंड द अपार्टमेंट हाउस. तब वो बीमार थी और उसको फ्लू हुआ था और फेब्रुअरी महीने की जो विंड्स थी, जो हवा थी, वो उसके घर, उसके कमरे तक आ जाती थी. दिस स्प्लेंडेड फाउंटेन पेन केम इन अ रेड लेदर केस एंड आई शोड इट टू माई गर्लफ्रेंड्स द फर्स्ट चांस आई गॉट. तो उसने कहा कि ये जब फाउंटेन पेन मेरे पास आया रेड लेदर केस के अंदर, मीन्स वो डब्बा जो था, बॉक्स जो था, वो रेड लेदर का था. और वो बहुत खुश होती है उसको देखकर. उसने अपने सारे फ्रेंड्स को भी दिखाया, मी एनी फ्रैंक द प्राउड ओनर ऑफ अ फाउंटेन पेन. और वो बोल रही है कि मैं बहुत खुश हुई एक ओनर बनकर एक फाउंटेन पेन की. क्यों, क्योंकि उस वक्त ये पेन किसी के पास नहीं था. When I was 10, I was allowed to take the pen to school and to my surprise, the teacher even let me write with it.
जब वो 10 साल की होती है तब वो स्कूल लेकर जाती है और उसकी टीचर काफ़ी सरप्राइज हो जाती थी उसको देखकर जब वो उस पेन से लिखती थी। When I was 11, however, my treasure had to be tucked away again. Tucked away means kept away safely, because my sixth grade teacher allowed us to use only six school pens and ink pots. जब वो 11 साल की होती है तब भी वो बिल्कुल सेफली उसको लिखती है क्योंकि उनके टीचर्स ने ये कहा था कि इंक पॉट्स और स्कूल पेन से यूज करने हैं, बट जब उसने फाउंटेन पेन यूज किया तो उसके टीचर्स ने भी उसको कुछ नहीं किया, मीन्स सेफली वो लिखने लग गई। When I was 12, I started at the Jewish Lyceum and my fountain pen. Jewish Lyceum, Lyceum वो जगह है जहाँ पे Jewish के बच्चे जो थे पढ़ते थे, स्कूल का नाम है। Was given a new case in honor of the occasion. फिर उसको एक और मौका मिला 12 साल की उम्र में कि उस स्कूल में मैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए किससे, फाउंटेन पेन के साथ। Not only did it have room for a pencil, it also had a zipper, which was much more impressive. तो वो फाउंटेन पेन के बारे में बता रही है कि ना ही उसके अंदर एक पेंसिल थी बट उसके साथ एक जिपर भी लगा हुआ था जहाँ पे आप कुछ भी सेव करके रख सकते थे, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी लगती थी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। When I was 13, the fountain pen went with me to the annex. जब वो 13 साल की होती है तब वो फाउंटेन पेन जो था वो एनेक्स चलता है उसके साथ। एनेक्स एक जगह का नाम है जहाँ से जूस लोग जो थे, मीन्स जहाँ से उसके जो मम्मी पापा थे वो अपने भाई बहन और मम्मी पापा के साथ हिटलर से बचकर उस जगह में रहती थी, उसका नाम है एनेक्स। एनेक्स वो जगह था जहाँ पे उसका फादर काम करता था, ठीक है। तो उसने अपने काम करने वाली जगह पर ही एक छोटा सा रूम में उनकी फैमिली को रखा हुआ था। एंड टुगेदर वी हैव रेज्ड थ्रू काउंटलेस डायरीज एंड कॉम्पोजिशंस। और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं अपने पेन के साथ बहुत डायरी मैंने लिखी, बहुत कॉम्पोजिशंस लिखे। आई टर्न 14 एंड माई फाउंटेन पेन वॉज एंजॉइंग द लास्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ विथ मी। जब वो 14 साल की होती है तब उसका फाउंटेन पेन जो है वो सबसे लास्ट सांस उसके साथ लेता है। कैसे? When it was just after 5 on Friday afternoon, I came out of my room and was about to sit down at the table to write when I was roughly pushed to one side to make room for Margaret and father who wanted to practice their Latin. तो अब क्या होता है, फ्राइडे की शाम को वो लोग बैठते हैं, जस्ट फ्राइडे के आफ्टरनून में वो बैठती है टेबल के पास और अपना डायरी लिखने के लिए। तभी उसके फादर और मार्गरेट जो उसका ब्रदर होता है वो बोल देता है कि तुम साइड हो जाओ, अब हमारा टाइम है यहाँ पर पढ़ने का, हमने लैटिन सीखनी है। तो वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसको धक्का दे देते हैं कि तुम अभी चले जाओ, हमें यहाँ पर बैठना है। द फाउंटेन पेन रिमेन अनयूज्ड ऑन द टेबल व्हाइल इट्स ओनर साइन वाज सपोज्ड टू मेक डू विथ अ वेरी टाइनी कॉर्नर ऑफ द टेबल वेयर शी बिगन रबिंग बीन्स। तो अब वो क्या करती है, वो फाउंटेन पेन वहीं पर पड़ा रह जाता है और वो उसको देखती भी नहीं है, मीन्स भूल जाती है, और वो अपना कमरा साफ करने लग जाती है। टेबल के ऊपर कुछ बीन्स पड़े होते हैं, उसको निकालने लग जाती है। दैट्स हाउ वी रिमूव मोर फ्रॉम द बीन्स एंड रीस्टोर देम टू देयर ओरिजिनल स्टेट। तो वो जो बीन्स जो होती है उसके अंदर से बीन्स निकालने लग जाती है और जो बाकी का छिलका होता है वो फेंकने लग जाती है। तो इस तरह से वो बीन्स निकाल कर छिलके फेंकने की तैयारी में थी, इकट्ठे कर रही थी टेबल के ऊपर से। एट अ क्वार्टर टू सिक्स, जब 6 बजते हैं, आई स्वेप्ट द फ्लोर, उसने झाड़ू लगाया, जंप्ड इनटू डर्ट इनटू अ न्यूज़पेपर, और सारे डर्टी थिंग्स को एक न्यूज़पेपर में बांध दिया अलॉन्ग विद द रॉटन बीन्स, और जो कच्चे बीन्स थे उसको भी बांध दिया। एंड टॉस्ड इट इनटू द स्टोव, और स्टोव में जाके डाल दिया। A zian flame shot up and I thought it was wonderful that the stove which had been gasping its last breath had made such a miraculous recovery. अब वो क्या करती है, जब स्टोव में फेंक देती है तो बहुत तेजी से वो स्टोव चलने लग जाता है और बहुत बड़ी आग से फ्लेम निकलने लग जाती है। और वो ये कहती है कि अब तक तो जो स्टोव है वो अपनी लास्ट ब्रीथ भी ले रहा होगा, मीन्स इतनी जोर से आग चल रही है कि अब तक तो सारा कुछ जल भी गया होगा। All was quiet again. सारे चुप हो गए। The Latin students had left. अब वो लोग चले जाते हैं जो लैटिन सीखने आते थे। And I sat down at the table to pick up and where I had left off. अब वो लोग तो चले जाते हैं और फिर मैं अपने टेबल पर बैठ जाती हूँ जहाँ पर छोड़ कर गई थी, वहीं से फिर स्टार्ट करने के लिए। But no matter where I looked, my fountain pen was nowhere in sight. But जब उसने देखा उसका फाउंटेन पेन कहीं पर भी नहीं था। I took another look. Margaret looked, mother looked, father looked, Dussel looked, but it had vanished. सब ने देखा बट किसी को नहीं मिला। मे बी इट फेल इन द स्टोव अलॉन्ग विद द बीन्स, मार्गरेट सजेस्टेड। फिर मार्गरेट क्या बोल रहा है कि हो सकता है कि वो बीन्स के साथ ही स्टोव के अंदर चला गया हो।
नो इट कुडंट हैव आई रिप्लाइड. फिर वो कह रही है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता. बट दैट इवनिंग व्हेन माय फाउंटेन पेन स्टिल हैडन टर्नड अप वी ऑल अज्यूम्ड इट हैड बीन बर्न एस्पेशली बिकॉज सेलुलॉइड इज हाईली इन्फ्लेमेबल. जब उस शाम को हमने सब जगह देखा और मेरा फाउंटेन पेन नहीं मिला तो मुझे लगा कि वाकई वो जल गया है, क्योंकि एक सेलुलॉइड मीन्स एक प्लास्टिक जब जलता है तो उसकी जो फ्लेम होती है वो बहुत ज्यादा निकलती है आम चीजों से. आवर डार्केस्ट फियर्स वॉज कन्फर्म द नेक्स्ट डे व्हेन फादर वेंट टू द एम्प्टी द स्टोव. उसके बाद वो जिस बात का उसको डर था वही चीज उसके सामने आ गई जब उसके पापा ने जाके स्टोव साफ किया एंड डिस्कवर द क्लिप. और वो जो फाउंटेन पेन की जो निब थी जो क्लिप था वो उसके साथ आ गया. यूज टू फासन इट टू अ पॉकेट अमॉन्ग द एशेस. वो उस एशेस के साथ, एशेस मीन्स जो राख बन गई थी उस राख के साथ ही वो चीज बाहर आ गई. नॉट अ ट्रेस ऑफ द गोल्ड निब वॉज लेफ्ट. और वो निब वहां पे बचती नहीं है, वो भी जल जाती है. एक टुकड़ा सा बाहर आया था. इट मस्ट हैव मेल्टेड इनटू स्टोन फादर कंजेक्चर्ड. अब फादर गैस क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो गोल्ड निब था वो भी पिघल कर एक पत्थर बन गया है. आई एम लेफ्ट विद वन कंसोलेशन स्मॉल दो इट मे बी माई फाउंटेन पेन वॉज क्रीमेटेड जस्ट एज आई वुड लाइक टू बी सम डे. तो अब वो क्या बोल रही है, काफी दुखी होती है और वो कह रही है कि बस एक दिन जैसे मेरा फाउंटेन पेन क्रीमेट हो गया, क्रीमेट हो गया मीन्स मर गया है, राख बन गया है, वैसे ही एक दिन मैंने भी इसी तरह राख बन जाना है. ये कहकर वो काफी दुखी हो जाती है. योर्स एनी. और डायरी को बंद कर देती. तो यहाँ पे उसने पूरी डायरी की चर्चा में सिर्फ उसने अपना फाउंटेन पेन के बारे में बताया है. जब उसको 13 साल की उम्र में उसके डैड ने उसको डायरी दी थी तब उसने अपनी डायरी में फाउंटेन पेन की जिक्र की है जिसके बारे में उसको गिफ्ट मिला था उसकी दादी से. ठीक है. सो टिल हियर इट्स योर चैप्टर. आपने ये वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक पे लिख लेनी है और क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे. बुक वर्क आपने बुक पे करना है, क्वेश्चन आंसर और जो लास्ट में राइटिंग सेक्शन है सिर्फ वही नोटबुक पे होगा. थैंक यू.